अलीगढ़ में रघुवीरपुर स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में महाकाल की 2100 दीपों से महाआरती की गई। इस दौरान स्वयं भू अखिलेश्वर महादेव का अलौकिक श्रृंगार किया गया। इससे पहले केसरयुक्त जल से अभिषेक किया गया। श्री गणेश वंदना से पंडित प्रदीप महाकाल ने शुरुआत की। मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने बताया कि अखिलेश्वर महादेव का खोआ मेवा और भांग से श्रृंगार किया गया। मुख्य यजमान अभिनव मित्तल ने गणपति का पूजन किया। इस मौके पर ट्रस्टी नवीन शर्मा, ब्रजमोहन वाशनी, मनोज प्रवीण वाशनी, रीमा सिंघल आदि मौजूद रहे। रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर स्वयं महादेव है और इस पर फरवरी में सिद्ध विनायक गणपति जी का विग्रह स्थापित हुआ। इसके बाद यहाँ पहली बार 10 दिन का गणेश महोत्सव किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हमने सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार इको फ्रेंडली गणेश बटवाकर की थी। इको फ्रेंडली गणेश जो है ऐसे बनवाए हैं हमने कि पूरे भारत में ऐसे गणेश कहीं नहीं बनते जिसमें अनाज होते हैं सभी ग्रहों के और पंचगव्य भी होता है। इसके अलावा हमने सभी ऐसे कार्यक्रम जो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है हमने ऐसे कोई कार्यक्रम इसमें नहीं रखे जो अन्य गणपति उत्सव में हो रहे हैं, नाच कूद वगैरह। हमने सबसे बड़ी बात जो है अपने पूजा विग्रहों को बताया है, संस्कृति को बताया है। इसमें हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा रखी थी जो अलीगढ़ में पहली बार हुई। 5100 शिव पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया गया और वसुधा बिंदा किशोरी की भजन संध्या हुई, राधा कृष्ण रूप सज्जा कराई गई। आज उसी क्रम में महाकाल की भस्म आरती है। जैसे उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती होती है उसी तरह अलीगढ़ में श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की गई है। इसमें महाकाल का श्रृंगार खोवा से किया गया है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है जो प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित होगा और इससे पहले केसर युक्त जल से बाबा का अभिषेक किया गया। जय श्री राम। भगवान की कृपा से मंदिर प्रांगण में 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक 11 दिन का गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन भगवान की स्थापना जन्मोत्सव भजन संध्या, द्वितीय दिन राधा कृष्ण रूप सज्जा हुई, तीसरे दिन शिव विवाह हुआ, चौथे दिन बाबा नीम करौली की भजन संध्या हुई, पांचवें दिन माँ तुझे सलाम का प्रोग्राम हुआ, 12 तारीख को दिन बुधवार गुरुवार को रिद्धि सिद्धि की पूजा भजन संध्या, अगले दिन वृंदावन से जो गौसुता वृंदा किशोरी आई थी, शनिवार को पार्थिव शिवलिंग पूजा और रविवार को बड़ा आनंद आया। आतरस की करीबन 32 लोगों की मंडली ने आकर जो यहाँ गौरांग संकीर्तन सारे भजन जो गाए इतने मन मोह लिया भक्तों का, मंदिर प्रांगण में जगह नहीं थी पैर रखने की, इतनी भव्यता से हुआ। आज सोमवार को भगवान की भजन संध्या हो रही है, फिर महाआरती हुई है जो उज्जैन की तर्ज पर भस्म आरती आज मंदिर प्रांगण में हुई है और सभी भक्तों ने उसका बड़ा आनंद लिया है। कल अनंत चतुर्दशी की सुबह कथा है 8 बजे से, तदुपरांत सत्यनारायण की कथा है, फिर भगवान गणपति जी का विसर्जन है, उसके बाद भंडारा है। कल के हमारे मुख्य यजमान श्री पीयूष अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल के हार्डवेयर वाले, उनकी तरफ से भंडारा है कल। भगवान की बड़ी कृपा रही है आज के मुख्य यजमान होम फिट एक्सपोर्ट से रहे। भगवान की लीला ने इतना आनंद दिया है 11 दिन में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।